May I dance with you? One whiskey, please. I'm so sorry. Let me clean, please. नहीं, ठीक है, हम कर लेंगे. अब इसमें अंग्रेजी का जरूरत तो नहीं पड़ता है ना, हम कर लेंगे. I'm so sorry. कौनो बात नहीं हूँ, गलती तो सबसे होती है. क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ. अरे राधिनी, बहुरानी फोन काहे नहीं उठा रही है? क्या हुआ बुआ, काहे परेशान? हम तो कह रहे हैं कि दोनों मरद मेरारू बाहर गए, मना रहे होंगे हनीमून. अरे हम परेशान नहीं है, मतलब हम परेशान है. आपको डर लग रहा है कहीं रागिनी बहुरानी वहाँ परेशान ना. मैंने अलबत बात कर रही हूँ, जो दुनिया को परेशानी में डाल दे उसको क्या परेशानी हो सकता है. हम तो कहते हैं कि रागिनी भौजी का एक को कमजोरी है और है अनुराग बबुआ. अब बुझो बुआ कि इनके अगर अनुरागे बबुआ रागिनी भौजी को बाहर लेकर गए हैं, तब तक मतलब ये हुआ कि रागिनी भौजी का पांचों उंगली घी में है. भगवान करे तुम जो कह रहे हो ना दुलरिया, वही सच हो. भाभी जी, मैं ना आपकी हेल्प करना चाहता हूँ. अनुराग आपको इग्नोर करके वहां लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा. अब मैं ना आपको वैसा ही डांस सिखाता हूँ, फिर देखना अनुराग आपके पीछे पीछे भागे. अरुण जी तो बड़े भले आदमी निकले, अगर हम नाच सीख लिए तो फिर हमारे मिस्टर हमारे इशारों पर नाचेंगे. हो सकता है. सुन पूनम, तू कल स्कूटी लेकर आ रही है ना? हाँ ठीक है, फिर हम भी तुम्हारे साथ चल लेंगे. हाँ यार, सारा रिवीजन तो हो गया है, लेकिन फिर भी हमने इम्पोर्टेंट नोट्स एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए रख लिए. तुम तो जानती हो ना ये एग्जाम्स हमारे लिए कितने जरूरी हैं. चल ठीक है, कल मिलते हैं. ओके बाय. तो जगह ही नहीं है. सृष्टि जी, आप है ना अपने एग्जाम में है ना इस वाले पेन से कीजिएगा. ये है ना बहुत ही अच्छा पेन है, आपका एग्जाम है ना बहुत ही अच्छा होगा, देख लेना.
ठीक है। आज मैं आपको सारे मूव सिखा दूंगा। यार ऐसे डांस में मजा नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि आप भी एक पैग लगा लो और फिर खुल के डांस करो। आपने बहुत अपना डांस सिखा दिया ना हमें, अब हम सिखाते हैं आपको अपना नाच। इसे कहते हैं देसी झटका। कैसा लगा? लगा ना जोर से। बदतमीजी है। बदतमीजी तो ये कर रहा था हमें डांस सिखाने की। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। I said just get lost from here. जाओ यहां से। Sorry guys, I'll just see you. मासा बना के रख दिया है हमारा। आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पे आंख उठा के देख ले। और उन कुकुरमुता उनसे छेड़खानी कर रहा था तो अपने मिस्टर जी के चक्कर में ना ये सब सह रहे हैं हम। तो हमारे मिस्टर जी का पार्टी खराब ना हो जाए ना, इसलिए एक चाटे में समझौता कर ले, नहीं तो बताते उस ससुरे को। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को थप्पड़ मारने की? तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से सब वहां मुझ पे हंस रहे। लेकिन तुम्हें क्या? अच्छा, आपको हमारा चाटा मारना दिखाई दिया, लेकिन आपका वो दोस्त जो हमारे साथ हरकत कर रहा था वो दिखाई नहीं दिया आपको? नहीं, क्या क्या हरकत देखूं उसकी? यही कि वो तुम्हें डांस सिखाने की कोशिश कर रहा था। कोई तुम्हारे साथ डांस कर तो तुम उसे थप्पड़ मार दोगी? ये तो अच्छा है तुम्हारे पास बंदूक नहीं थी, वरना तुम उसे गोली मार देती। अरे वेस्टर्न कल्चर में ऐसा डांस नॉर्मल। बस करो, वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर। अरे आपके ये अंग्रेजी फैशन के चक्कर में पता नहीं कितनी बदतमीजी और बेशर्मी सहन कर रहे हैं। अरे ये कैसा कल्चर है हाँ, जिसमें औरत से बिना पूछे उसके कमर में हाथ डाल देते हैं? अरे जिस कल्चर में औरत की इज्जत नहीं होती ना, उसको हम अपनी जुत्ती पर रखते हैं, जुत्ती पर। डांस सिखाएगा हमें? अरे हमारे देश में ना डांस को साधना मानते हैं, साधना, पूजा करते हैं डांस की। यही देखते आए हैं हम और यही सुनते आए हैं। शराब के नशे में औरत की बेइज्जती करने को एडवांस कहते हैं ना, तो हम जाहिली ठीक। लिसन रागिनी, मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरी दुनिया है। तुम आई थी ना इसमें फिट होने के लिए, अब क्या प्रॉब्लम है बोलो? मैं इस कल्चर में खुश हूं। तुम देख ही रहे थे कि आप कितना खुश हैं। उन लड़कियों का लिपटना झिपटना भी आपको बहुत खुश कर रहा था ना। हमें तो ये सोच सोच के शर्म आ रही है कि आप हमसे भी यही करवाना चाहते थे और हम तब भी ये सब कर लिए, ये बेढंग का ड्रेस पहन लिए आपके लिए। एक सेकेंड, ये ड्रेस बेढंगी नहीं है। इस ड्रेस में तुम बेढंगी लग रही हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती तुम्हें ये ड्रेस पहनाई होगी। हाँ वो तो लगेगा ही ना, क्योंकि बात ही यही है। क्योंकि कहा है ना मिश्रा जी, ऐसा ड्रेस ना हम कभी अकेले में भी नहीं पहने। और आप हमें ये ड्रेस पहना के पार्टी में ले गए अपने दोस्तों के सामने। अगर ये ड्रेस पहनाना ही था तो बता देते पहले, पहन के प्रैक्टिस कर लेते ना हम इसकी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले में ये ड्रेस पहन सकती हो? चलो ठीक, आज ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए कल लेके आया था, जाओ और ये ड्रेस पहन लो।
आप क्या हो, क्या सोच रहे हो? आई थिंक तुम्हें अभी मान लेना चाहिए कि तुम मेरे लायक कभी नहीं हो सकते। नेवर। मेरी एक्सपेक्टेशन जो मेरी वाइफ से, सेक्सी आउटफिट पहनना, अच्छा लगना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना, वो सब तुम कभी नहीं कर सकते। इसीलिए जसलीन, काहे नहीं पहन सकते हैं? हम वो सब कर सकते हैं जो आपको पसंद है। ओके, देन शो मी। अगर तुम्हें ये नॉर्मल सी ड्रेस पहनने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ये कैसे पहनोगे? अभी पहन के आते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जाओ। मिस्टर हमें ईद पहनाना चाहते हैं। रागिनी सिंह, जितना मैं तुम्हें जानता हूं उस हिसाब से तो आज तुम सरेंडर जरूर करोगी, और उसके बाद मेरी लाइफ से तुम्हारा चैप्टर, फिर यहां से डायरेक्ट तुम तुम्हारे घर वापस। पराग फोन काहे नहीं उठा रहा है? आधी रात हो गई, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहां रह गया होगा। इसकी इस बात पे ही ना रागिनी के बाबूजी गरियाते हैं इससे। अब वो आएंगे तो हम कहां जवाब देंगे? क्या बात है, बदहवासी का है छाया हुआ है? अब नहीं, कोई बात नहीं है, आप कपड़े बदल लीजिए, हम खाना लगाते हैं। वो तो खाइए लेंगे, परेशानी का कारण बताइएगा। जी वो पराग अब तक नहीं आया। अरे बताना भूल गया आपको, फोन आया था उसका, अपना साथी का शादी में पटना गया है, भोर में आएगा, नारद है उसके पास, चिंता मत कीजिए। ठीक है, हम खाना लगाते। तुम मेरी क्लास की कभी नहीं बन सकती, और आज तुम्हें ये प्रूफ हो जाएगा। अगर नौटंकी खत्म हो गई हो तो ड्रेस को वापस फोल्ड करके कबर्ड में रख देना। Thank you.
नंगेपन को आप अपना मॉडर्न कल्चर कहते हैं ना, इसी के नाम पर आपका दोस्त हमसे बदतमीजी कर रहा था, लेकिन इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपको तो बहाना चाहिए हमें डांटने का, चाहे जैसे मिल जाए। हम भी एक लड़की हैं, कमर पर हाथ रखना और कमर पर हाथ सहलाना, उसका फर्क समझ में आता है हमें? वो आपका दोस्त नहीं है, वो हमारे साथ डांस नहीं कर रहा था, वो अपना हाथ सेक रहा था हमारे शरीर पर, इसलिए घुमा के दिए हम उसको। अगर वो आगे भी ऐसी हरकत करेगा ना, तो आगे भी घुमा के देंगे। लगता है अरुण ने कुछ गलत किया है, कहीं मैंने अधूरी बात जाने कुछ रिएक्ट तो नहीं कर दिया, मुझसे गलती हो गई लगता है। लेकिन अगर आपको इसमें भी हमारा गलती लगता है तो लगता रहे। आज अब हमें चैलेंज दिए हैं ना ये टुकड़ा पहनने के लिए, तो आपकी खुशी के लिए हम ये भी पहन लिए। मार दी अपनी सर।
आई एम सॉरी।